अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं हाज़िर हूँ फिर से एक नई व्लॉग के साथ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा घोटाला रेसिपी। खागीना या अंडा घोटाला, इसे लोग अक्सर खागीना भी बोलते हैं और अंडा घोटाला भी बोलते हैं। सो रेसिपी बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। अंडा घोटाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, मैंने जो लिया है वो 2 अदद अंडे, 1 छोटी प्याज चॉप की हुई, 1/2 कप ऑयल, 3 से 4 टमाटर जिसे मैंने छील के छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद बारीक कटे हुए, नमक हसबे जायका। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँगी, कुछ लोग इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी करते हैं, सो आपकी मर्ज़ी है, आप हल्दी शामिल करना चाहें तो 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इस रेसिपी में हल्दी शामिल नहीं करूँगी। अंडा घोटाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं फ्राई पैन में ऑयल शामिल करूँगी, अब मैं इसमें अनियन शामिल कर रही हूँ। अनियन को मुझे लाइट सा गोल्डन करना है बस। प्याज गोल्डन हो गया है, अब मैं इसे इसमें टमाटर शामिल करूंगा, छोटी मिर्च, नमक, चूल्हे के आंच को मैं थोड़ा स्लो कर दे रही हूँ और इसे गलने के लिए रख दे रही हूँ। इसे गलते हुए 5 मिनट हो गए हैं, ये अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है, ये भी थोड़ा और टाइम लेगा। टमाटर अच्छी तरह से गल गया है, मैं इसमें अंडे शामिल करूंगा। इसे मैं थोड़ा सा एक साइड पे कर लेती हूँ ताकि ऑयल एक तरफ आ जाए और मैं अंडे को अच्छी तरह से फ्राई कर सकूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है, 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। अंडे डालते साथ आपको चम्मच चलाते जाना है, रुकना नहीं है, ओके? अगर आप रुक गए तो ये अच्छा नहीं बनेगा, लिहाजा आप मुसलसल चम्मच को चलाते जाएं, इस तरह से जिस तरह से मैं चला रही हूँ।
तरफ से आपके छोले ऊपर आ रहे हैं, पर आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, आराम से ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। और बहुत ही टेस्टी और यमी होता है, खाने में इसका मज़ा बिल्कुल मगज फ्राई की तरह होता है। आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। इसके बनाने का बस एक ही तरीका है कि आप जब अंडे डालें तो आपका चम्मच रुके नहीं, आपका हाथ मुसलसल चलता जाए। थोड़ा सा तेज कर दे रही हूँ और इसे 5 मिनट तक मैं ही हुई फ्राई करती रहूंगी। पांच मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैंने अब इसे डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस होती है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब इसमें हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी है ये और बहुत ही यमी एंड डिलीशियस होती है ये। अल्लाह हाफ़िज़।